समाना मैडम से निवेदन करूंगा कि आए और अपने विचार प्रकट करें। धन समाना तो मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है कि आज इतनी संख्या में महिलाएं इकट्ठी तो हुई, वरना कहीं ना कहीं कहती है ये होता है कि महिलाओं की संख्या बहुत कम है। दो दिन बाद राजस्थान में एक बहुत बड़ी सभा होने जा रही है और उदयपुर संभाग में वो एरिया होता है, तो निश्चित रूप से हम सभी बहनों की महिला कांग्रेस की तरफ से एक अलग जिम्मेदारी बनती है और हम सब मिलकर के अधिक से अधिक जितनी बहनें वहाँ पहुँचेंगी इस बात को लेकर के माननीय हमारी जो यहाँ की जिलाध्यक्ष हैं नीतू जी, इनसे बात हुई और इन्होंने पूरी व्यवस्थाओं के साथ कहा कि हम जितनी भी महिलाएँ यहाँ से ज़्यादा पदाधिकारी और भी जितनी हमारी विचारधारा की बहनें सभी लोग पहुँचे हैं और इस सभा को अच्छे से महिलाओं की एक अलग जो छवि है वो दिखाएंगे। देखिए राजस्थान में भी हो रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कहीं और नहीं हो रहे हैं, सब जगह हो रहे हैं, पर और जगहों के मुकाबले में हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी कि तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है और जो भी कार्रवाई होती है वो बहुत जल्दी होती है। न सरकार कोई कहती है कि आप इस तरह के काम करें या करवाती है, लेकिन जब भी इस तरह की स्थितियां बनी हैं तो सरकार हमेशा संवेदनशील रही है महिलाओं के लिए और उन्होंने तुरंत एक्शन लिया है। आपने देखा होगा जो वो कांड हुआ बच्ची वाला, वो भी बहुत गलत था, लेकिन उसमें भी बहुत जल्द से जल्द पकड़े अपराधी और मुआवजे की राशि जो सहायता राशि मिली सरकार की तरफ से वो भी उनको पूरी कर दी गई। होनी चाहिए, इसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन इसके लिए हम सबको अवेयर होना पड़ेगा। ये महिलाओं का मुद्दा ऐसा है कि महिलाओं पे आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं उससे कर सकते। महिलाओं की सुरक्षा, समानता और अधिकारिता वो हर जाति, समुदाय और हर वर्ग से ऊपर उठ करके हम सबका धर्म और कर्तव्य बनता है कि हम हर महिला की रक्षा और सुरक्षा करें। देखिए विधानसभा चुनाव पास में है, लेकिन मैं फिर भी इसमें यही कहूँगी क्योंकि ये कहना बेमानी होती कि विपक्ष इस तरह की हरकतें करता है या जो भी उनका विपक्ष का काम है वो अपना काम करेगा, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि महिलाओं पे जब भी कोई ऐसी बात आएगी तो हमारी सरकार हमेशा महिलाओं के प्रति शुरू से संवेदनशील रही है और उसने हमेशा महिलाओं को आगे मान सम्मान दिया है, बढ़ावा दिया है और लाइन की अंतिम छोर से उठा करके महिला को आगे लाए। नई जिम्मेदारी के साथ निश्चित रूप से, क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं तो संगठन जल्द से जल्द तैयार, यदि कुछ फेरबदल वाली स्थिति होती है तो उनमें फेरबदल करके जल्द से जल्द नई संगठन तैयार करके और हम फिर से मैदान में उतरेंगे और रिपीट करेंगे अपनी सरकार। जिस तरह में देखिए हमारी सरकार की जो योजना है महिलाओं के लिए वो इतनी अच्छी योजना है, तो न भविष्य न तो कभी किसी सरकार में रही है ना शायद रहेगी, तो इतनी सारी योजनाएं जो महिलाओं के लिए, उनके मान सम्मान के लिए, उनके अधिकार के लिए, उन सब योजनाओं को लेकर के हम घर घर तक जाएंगे। यही हमारे चुनाव के दौरान हमारी बहनें और ये जितनी सुरक्षा है, आप गैस सिलेंडर ले लीजिए, आप मोबाइल फ़ोन ले लीजिए और भी जितनी भी महिलाओं की बात होती है उसमें सबसे अधिक यदि कोई लाभ मिलता है तो वो सिर्फ सीधा सीधा रसोई से और रूम तक का जो लाभ है वो हम सब